बलिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। एक्सप्रेसवे समेत 7 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी बलिया दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बलिया दौरे पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और 7 और जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात देंगे। साथ में मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त जो कि यहां के सांसद हैं, दयाशंकर सिंह विधायक यहीं से हैं और दरअसल सरकार में मंत्री हैं, यहीं से प्रतिनिधि हैं वो। दयाशंकर सिंह और वीरेंद्र सिंह मस्त के अलावा बीजेपी के तमाम नेता यहां मौजूद रहे। 2024 तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। चंदौली तक 2 लेन पैवेट शोल्डर का निर्माण कार्य किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बलिया दौरे पर हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ में मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त जो यहां से सांसद, दयाशंकर सिंह वो भी बलिया से ही आते हैं और सरकार में वो मंत्री हैं। ऐसे में 5,320 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा, लोगों को सुविधा होगी। साथ में मौजूद हैं दानिश शाहजाद अंसारी, ये भी बलिया से ही आते हैं, विधान परिषद के सदस्य। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी सौगात पूर्वांचल के लोगों के लिए, साथ ही बिहार के लोगों के लिए। लखनऊ, दिल्ली और बिहार का सफर अब आसान होगा। एक गदा देकर नितिन गडकरी का यहां स्वागत किया गया है। बलिया में उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है, चंदौली तक 2 लेन प्राइवेट शोल्डर का निर्माण कार्य। कुल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ साथ 7 परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास नितिन गडकरी ने किया। NH 124 का लेन 2 प्राइवेट शोल्डर का निर्माण कार्य भी इसमें शामिल है। बड़ा फायदा होगा पूर्वांचल के लिए, दिल्ली बिहार आने के लिए। एक्सप्रेसवे की लंबाई 134 किलोमीटर है जिसका निर्माण 5,320 करोड़ की लागत से होगा। तो एक्सप्रेस प्रदेश यूपी को कहा जा रहा है। 13 एक्सप्रेसवेज यूपी में जो कुछ बन गए हैं, 5 से ज्यादा एक्सप्रेसवेज जो चल रहे हैं सीधे दिल्ली से बुंदेलखंड, दिल्ली से पूर्वांचल, यूपी के किसी भी हिस्से में आप एक्सप्रेसवे के जरिए पहुंच सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसी को और आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर लगातार खुद नितिन गडकरी भी फोकस्ड रहते हैं और एक बड़ी सौगात पूर्वांचल के लिए, बलिया के लिए, चंदौली के लिए, बिहार के लोगों के लिए। और प्रयागराज से बड़ी खबर है, उमेश पाल की हत्या से जुड़ी